हेलो गाइस, कैसे आप लोग गाइस? वेलकम बैक टू आर एडिट्स गाइस। मैं आज आपको कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है तो मेरी फ़ोटो एडिटिंग भी क्रिसमस पे है गाइस। तो इसके पहले भी मैंने एक विंटर एडिटिंग की है, अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं अभी तक देखा है तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वो वीडियो जाकर चेक कर लें। और गाइस, इस वीडियो में मैंने जितनी भी पिक्चर्स PNG यूज की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और गाइज वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको एडिटिंग अच्छे से समझ आएगी गाइज। और गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो गाइज शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइज, आपको सिंपली पिक्सआर्ट में कुछ इस टाइप की पिक्चर खोल लेनी है बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद सिंपली आपको नीचे जाना है गाइज ऐड फोटो में, यहाँ पे मैं जाके ऐड फोटो करूँगा। यहाँ पे मैं नीचे गया और ये ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है गाइज हमें, और हम यहाँ पे एक क्रिसमस के गिफ्ट की फ़ोटो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रिसमस के गिफ्ट की फ़ोटो ऐड कर ली है गाइज, अब मैं उसको साइड कॉर्नर में अच्छे से फिट कर लूँगा। अब गाइज सिंपली हमें फिर से जाना है ऐड फोटो में गाइज, और एक शैडो की PNG ऐड करनी है अपने ये क्रिसमस गिफ्ट के नीचे। यहाँ पे मैंने एक PNG ऐड कर लिया है, और इस PNG को मैं गाइस छोटा करके अपने गिफ्ट के नीचे लगा लूँगा, तो काफ़ी अच्छी इफेक्ट आएगी हमारी बैकग्राउंड पे, बिल्कुल रियल लगेगा गाइस, ये लगेगा ऐसा सच में बैग रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है, अब सिंपली यहाँ पे मैं डन कर दूँगा। सिंपली हमें गाइस जाना है फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज हमें एक क्रिसमस ट्री की PNG सेलेक्ट करनी है अपने पिक्चर में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन गाइज यहाँ पे मैं ये ट्री अपने पिक्चर में ऐड नहीं करूँगा गाइज, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ट्री काफ़ी बड़ा है। तो अगर गाइज आपको ऐड करना है तो आप अपने पिक्चर में ऐड कर लें, मैंने इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अब सिंपली मैं अपने मॉडल का कटआउट ऐड करूँगा यहाँ पर। आपको गाइज अगर अपने मॉडल का कटआउट बनाना नहीं आता है तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गाइज, आप वहाँ से वीडियो देख लें। और गाइज अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक करो गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज जल्दी से। यहाँ पर गाइज मैं अपने मॉडल को अच्छे से फिट कर लूँगा। यहाँ पे गाइज मॉडल हो गया है फिट। अब सिंपली हमें फिर से जाना है गाइज ऐड फोटो में दोबारा, और हमें एक बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट PNG ऐड करनी है। अब सिंपली गाइज हमें ये ऐड कर लेने के बाद इसको इस पिक्चर को गाइज हमें फ़ोटो की साइज की करनी है, और गाइज हमें ब्लेंड टूल में जाना है, और गाइज सिंपली हमें मल्टीप्लाई पे कर देना है, और हम गाइज यहाँ पे इसे छोटा कर देंगे, और गाइज इसे हम नीचे से अपने पिक्चर में अच्छे से फिट कर देंगे। यहाँ पे मैंने गाइज इसे छोटा करके अपने पिक्चर में फिट कर दिया, और थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी गाइज हम डाउन कर देंगे ताकि गाइज ये ज़्यादा ब्लैक ना लगे। यहाँ पे गाइज ये हो गया। अब सिंपली गाइज मैं यहाँ पे डन कर दूंगा, और गाइज फिर से हमें जाना है ऐड फोटो में गाइज। तो मैं फिर से ऐड फोटो में जाऊंगा गाइज, और हमें एक लाइट की PNG ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली से ऐड कर लूँगा, और फिर से गाइज जाना हमें ब्लेंड टूल में। ब्लेंड टूल में जाने गाइज सिंपली हमें स्क्रीन पे सेलेक्ट करना है, और अपने इस लाइट PNG को गाइज हमें विंडो पे ऐड कर देना है। सबसे पहले गाइज हम ये PNG ऊपर वाले विंडो पे ऐड करेंगे, फिर से गाइज हमें सेम लाइट वाली PNG सेलेक्ट करके ब्लेंड टूल में जाके गाइज स्क्रीन पे करके उसे नीचे वाले विंडो पे भी ऐड करना है गाइज, ताकि ये अच्छा इफेक्ट देख। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है गाइज। अब सिंपली हम यहाँ पे डन कर देंगे गाइज, और अपने पिक्चर को लाइट रूम में खोल लेंगे गाइज अपने पिक्चर की इफेक्ट्स ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए। तो सिंपली गाइज हम अपने पिक्चर को लाइट रूम में खोल लिया, और हमने ऑटो टूल यूज़ किया है गाइज, आपको भी ऑटो टूल यूज़ कर लेना है। सिंपली गाइज हमें लाइट सेक्शन में जाना है, और फ़ोटो की एक्सपोज़र को -0.18 कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को 4 कर देना है गाइज, हाइलाइट्स को -5, शेडोज़ को 38, और वाइट्स को 18, और ब्लैक्स को -20 गाइज। सिंपली हमें गाइज जाना है फिर से टेम्परेचर वाले सेक्शन में गाइज, और ह्यू को सेलेक्ट करके गाइज हमें
ब्लू कलर को डाउन कर देना है और सैचुरेशन को अप कर देना है और ल्यूमिनेंस को डाउन कर देना है। फिर गाइज हमें डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट करके यू को -8 कर देना है और टेम्परेचर को -4 कर देना है। अब सिंपली गाइज हमें जाना है इसके नीचे वाले सेक्शन में और गाइज क्लैरिटी को 6 और गाइज विंटेज को -28 कर देना है और यहाँ पे टेक्सचर को भी गाइज 2 पे कर देंगे गाइज हम, क्योंकि टेक्सचर से काफ़ी अच्छी इफेक्ट आती है हमारी पिक्चर में गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज हमारी पिक्चर एडिट हो गई है काफ़ी अच्छी गाइज, और मैं इसे सेव कर लूँगा। तो गाइज आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया गाइज तो वीडियो को लाइक करें गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।